Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल जो कि आपके आने वाले देश के सभी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो उम्मीद करता हूं आप इसे रेगुलर देखते होंगे, सुबह 5 बजे उठ के 3-4 घंटे और रेगुलर पढ़ते होंगे, क्योंकि जो सुबह का टाइम है वो अपना बेस्ट टाइम होता है. उसके बाद एंटायर डे आपको मिलता है अपने बाकी कामों के लिए और साथ में अपनी बाकी पढ़ाई करने के लिए. तो उम्मीद करता हूं आने वाले 3-4 महीने में सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसकी तैयारी जो है आप जोरों शोरों से कर रहे होंगे और जिसके अंदर करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है. तो सुबह 5 बजे वाला और 8 बजे वाला जो सेशन है इसको जरूर देखा करो यार, आपके लाइफ में काफी टर्निंग पॉइंट साबित होगा और काफी नॉलेज है जो कि आपको मिलेगी. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. और साथ में स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अपना सुबह 8 बजे वाला जो अपना सेशन था ना, उसके अंदर क्या हुआ था कि मैंने 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, याद होगा आपको. तो इन सबका जो वन लाइनर सेक्शन है करंट अफेयर जो है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं. और आज जो है सुबह 10 बजे जो है ये आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है. तो अभी सुबह 10 बजे आप इस वीडियो को देख सकते हैं. 3 दिन का वन लाइनर करंट अफेयर होगा जो कि आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में. देख, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन डे था लोकपाल अध्यक्ष के लिए पद का कार्यकाल क्या होगा. तो लोकपाल आपको मालूम है काफी मुद्दे के अंदर है और इस वाले सैटरडे को आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों, जिसमें लोकपाल के बारे में कंप्लीट एनालिसिस मैं करने वाला हूं. बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम से लोकपाल है क्या, कब से बनाया गया, क्या पावर है, कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन कंप्लेन के दायरे में आते हैं और कार्यकाल क्या होगा, कब बनाए गए. तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में, आपको सवाल भी देखने को मिलेगा. इसके नियर बाय 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर कंप्लीट लोकपाल मैं आपको समझाने वाला हूं इस सैटरडे को सुबह 10 बजे. तो इस सैटरडे को सुबह 10 बजे जो है आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे लोकपाल के बारे में, ठीक है. तो वीडियो देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा और लाइव आइएगा, लाइव ही पढ़ाऊंगा मैं आपको. चलिए कार्यकाल की अगर मैं बात करूं उनका कार्यकाल, तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल तो उनका कार्यकाल है, 7 में 70 ईयर, यानी कि या तो 5 साल हो जाए या 70 साल के हो जाए, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो लोकपाल का क्या होगा, कार्यकाल होगा. अगला सवाल, फिंच रेटिंग के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है. तो फिंच के हिसाब से दोस्तों 19-20 में जो इन्होंने प्रिडिक्ट करी है वो 6.8% जो ग्रोथ है वो इन्होंने प्रिडिक्ट करी है. दुनिया की 3 बड़ी एजेंसीज है, मूडी, फिंच और साथ में S&P Poor. अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिवेश लक्ष्य और विनिवेश प्राप्तियों के बीच अंतर कितना था. 18-19 के अंदर जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था और जितना हुआ, यानी कि सरकार क्या करती है कई बार क्या करती है, विनिवेश करती है ताकि जो नुकसान है उससे बचा जा सके. तो ये कितना हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का अंतर है जो कि देखने को मिला है. 80,000 का टारगेट था है ना, और कितना 85 करोड़ तक जो है वो पहुंच गया है. ओके, तो कई सारे स्टॉक्स बेचे, कई सारे पब्लिक ऑफरिंग करी, सेल करे, कई सारे एक्सचेंज करे फंड को, तब जाके ये हो पाया है. हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के 28 देशों को महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में 69 मिलियन का दान दिया है. तो दोस्तों 69 मिलियन का जो दान दिया 28 देशों को, ये किसने दिया है, जापान ने दिया है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जापान आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है. जापान के बारे में आपको मालूम है, शिंजो एबे है जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री है. कैपिटल क्या है, टोक्यो है. करेंसी क्या है, येन यहाँ पे करेंसी चलती है. 12-13 करोड़ के आसपास है जो कि पॉपुलेशन है. अपना 1 रुपया जो है वो नियर बाय 2 रुपए 2.5 रुपए के येन के बराबर है, ठीक है. तो अपनी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है. आगे देखते हैं,
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप, दोस्तों ये प्रोग्राम लाया गया है, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। अगला सवाल है, ESPN क्रिकेट इन्फो और किस संस्था ने IPL 2019 में क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नया मैट्रिक्स सुपर स्टैट्स लॉन्च किया है? तो IPL 2019 के अंदर जो है एनालिसिस करने के लिए सुपर स्टैट्स लाया गया है, किसके द्वारा? ESPN क्रिकेट इन्फो के द्वारा और IIT मद्रास के द्वारा। तो दोनों के द्वारा जो है ना इस काम को किया गया है ताकि जो अच्छे स्टैट्स जो है वो और ला सके। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ESPN की बात करें तो US बेस्ड स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल है जो कि ESPN INC इसको ओन करता है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी और एक हैरिस कम्युनिकेशन है, इनके द्वारा इसको 1979 में जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ESPN के बारे में ये भी आपको बात ध्यान रखनी है और काफी देशों के अंदर इसकी ब्रॉडकास्टिंग है जो कि होती है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं सुपर स्टैट्स क्या है, न्यू लैंग्वेज है, नंबर बेस्ड स्टोरी टेलिंग है क्रिकेट के अंदर, जिसके अंदर स्मार्ट स्टैट्स जो है वो बताए जाएंगे, साथ में इसके अंदर लकी इंडेक्स भी बताया, लक इंडेक्स भी जारी किया जाएगा, है ना, कि प्लेयर की क्वालिटी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से और भी कई सारी चीजें जो कि इसमें बताई जाएगी। लोकपाल अधिनियम को किस तारीख को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? लोकपाल अधिनियम दोस्तों, तो आपको मालूम है 2014 को लोकपाल जो है उसको क्या मिला था, राष्ट्रपति जी से स्वीकृति मिली थी, और अभी आपको मालूम ही है दोस्तों पहले लोकपाल भी बना दिए गए हैं पिनाकी जी को। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक गैर कानूनी संघ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया है, इसका मुखिया कौन है? तो देखिए दोस्तों, अगर यहां पे बात करें, ठीक है, यहां पे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को जो है बैन कर दिया है और यासिर मलिक वो आदमी है जो कि इसका कौन है, अभी हेड है, और काफी नाटक भी होते हैं इस चीज को लेकर कि भाई क्यों बैन किया गया, क्योंकि कई सारे यूथ को ये मिलिटेंसी की तरफ लेके जा रहे थे, ठीक है, इसलिए इनको बैन किया गया है। हाल ही में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने उत्पादित पानी में तेल के लगभग सभी निशान हटाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है? ओके, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आप पानी में से ऑयल को निकाल सकते हो, कभी भी समुद्र में चल जाए तो होगा क्या कि जो मछलियां हैं उसकी, अगर समुद्र के ऊपर ऑयल चल जाता है तो उनको सांस नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता और वो मर जाती है। तो उसको ऑयल को हटाने के लिए जो है ना तैयार किया गया है एक प्रोसीजर, और वो जो प्रिडी यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इन्होंने रिसर्च किया है, जितने भी ऑयल होगा पानी में से वो निकाल दिया जाएगा, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं जो अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को उसके बंदरगाहों और हवाई अड्डे का लाभ उठाने की अनुमति देता है? ठीक है, यानी कि US क्या कर सकता है, उसके एयरपोर्ट को, साथ में पोर्ट को, सबको क्या कर सकता है, काम में ले सकता है। ऐसा कौन से देश ने प्रोवाइड किया दोस्तों? ओमान ने प्रोवाइड किया है। ओमान की कैपिटल की बात करें तो आपको मालूम है मस्कट यहां की कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो ओमानी रियाल है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या किया है, अलाउ कर दिया गया है, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इंडियन रियाल को, मतलब जो है वो नियर बाय आप मान सकते हैं 175 से 180 रुपए के बीच में होता है एक ओमानी रियाल, ठीक है, तो आपको करेंसी रेट भी मैंने बता दी है। आगे चलते हैं, आप ये देख सकते हैं अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है US प्रेसिडेंट जो कि जिंदा रहे वो कौन है? जिमी कार्टर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। सबसे लॉन्ग टाइम तक ज्यादा प्रेसिडेंट रहने वाले, जिंदा रहने वाले ये बन चुके हैं। आज का क्वेश्चन डे है, नीति आयोग का फिनटेक कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नीति आयोग का फिनटेक कॉन्क्लेव के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। 8 बजे वाली क्लास को भी जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपकी नॉलेज जो है वो और इंप्रूव हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।